सभी को नमस्कार, राम राम। तो मुझसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि भाई जब भी हम अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करते हैं और सबमिट करने के लिए सबमिट बटन दबाते हैं तो वो स्क्रीन फ्रीज सी हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है सबमिट होने में, तो कहीं हमारा पेपर वगैरह तो नहीं छूट जाएगा। तो भाई देखो, ये इनका एक वी बॉक्स वालों का टेक्निकल फॉल्ट है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए और प्रॉक्टर वगैरह जवाब ना दे रहा हो या वो टर्मिनेट करने से मना कर दे, तो सबसे पहला काम करना है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए नेक्स्ट वाला बटन क्लिक नहीं करते नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में, वैसे ही प्रीवियस का भी होता है वहाँ पे ऑप्शन, प्रीवियस जाना हो क्वेश्चन में तो प्रीवियस वाला, तो वो वाला बटन दबा दिया करो। तो क्या होगा कि आपके पास सबमिट करने का ऑप्शन दोबारा आ जाएगा, जो सबमिट बटन गायब हो जाता है ना वॉल ऑप्शन दोबारा आ जाएगा। दोबारा से सबमिट पे क्लिक करो, एक आध मिनट वेट करो, हो जाएगा सबमिट। अब सवाल ये उठता है कि अगर तब भी सबमिट ना हो तो क्या करें? तो भैया सिंपल सी बात है, अपने प्रॉक्टर से बात करो, प्रॉक्टर हेल्प ना करे वी बॉक्स वालों को कॉल मारो कि भैया ऐसे ऐसे समस्या हो रही है। वी बॉक्स वाले कॉल ना उठाए तो हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, हाथ पैर मारते रहो, ट्राई करते रहो, सारे ऑप्शन ट्राई मारो, क्योंकि इस बार रीशेड्यूलमेंट का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। अगर तुम्हारा खुदा ना खास्ता पेपर छूट जाएगा तो बैक लग जाएगी और फिर वही है, एक डेढ़ साल बर्बाद हो जाएगा फाइनल ईयर का। और वैसे भी पता है फाइनल ईयर की बैक कितनी ख़राब मानी जाती है। बाकी जाते जाते एक और अपडेट देता जाऊँ कि इस बार भी पिछली बार की तरह फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर वालों को पास कर दिया है। एक नोटिस वगैरह आया था उसमें सारी डिटेल दे रखी है, फॉर्मूला भी बता रखा है किस बेसिस पर पास करेंगे, डिटेल में पढ़ना हो तो जाके पढ़ लेना। उसके अलावा अगर किसी का एग्ज़ाम वगैरह छूट जाता है टेक्निकल इशू या किसी भी रीज़न से ये सबमिट नहीं हो पाता, तो भैया इनका एक गूगल फॉर्म भी आया हुआ था, उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा देना। वो बात अलग है, मेरे को ये सुनने में आ रहा था कि वो लिंक काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अपने टीचर से बात करके चेक कर लेना और कंप्लेंट दर्ज करा देना। बाकी कोई भी और बेसिक डाउट वगैरह होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।